दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कोरोना वायरस पर एक नई रिसर्च सामने आई है। इस स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव 44% लोगों को उन लोगों से संक्रमण हुआ है जिनमें उस बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं थे। ये स्टडी नेचर मेडिसिन मैगजीन में 15 अप्रैल को छपी थी। इसमें चीन के गुआंगजू अस्पताल के 94 कोरोना संक्रमित मरीजों पर ये स्टडी की गई है। अब क्या कहा गया है स्टडी में? इस रिसर्च में कहा गया है कि हमने ये देखा है कि गले में वायरस का संक्रमण तब सबसे ज्यादा होता है जब लक्षण दिखने शुरू हुए होते हैं। हमारा अनुमान है कि 94% सेकेंडरी केसेस में संक्रमण इसी दौरान होता है। रोग नियंत्रण के उपाय बिना लक्षणों वाले ट्रांसमिशन की तरफ होने चाहिए। लक्षण दिखने से पहले ही वायरस का संक्रमण फैलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि लक्षण दिखने के बाद आइसोलेशन शुरू कराने के बाद वायरस के फैलने वाले केसेस बहुत सीमित मात्रा में थे। भारत का जो टेस्टिंग प्रोसेस है ज्यादातर उन मामलों पर है जहां लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल भारत में उस व्यक्ति की टेस्टिंग की जा रही है जो किसी विदेश यात्रा से लौटा हो, लैब से कंफर्म हो चुके केस के संपर्क में आया हो, या किसी स्वास्थ्यकर्मी में अगर लक्षण दिख रहे हो, या फिर उन सभी मरीजों में जिन्हें सांस लेने में ज्यादा समस्या आ रही हो और या सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी कि SARI के मरीज हों। स्वास्थ्य मंत्रालय के तय किए हुए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी अगर किसी में फ्लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसका टेस्ट कराया जा रहा है। अभी हाल ही में जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 5,911 SARI के मरीजों का टेस्ट किया था तो 20 राज्यों के 52 जिलों में 104 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। हालांकि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि बिना लक्षणों वाले लोगों से वायरस के संक्रमण का प्रतिशत बेहद सीमित है और टेस्टिंग रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या उपाय करने होंगे? नेचर मैगजीन में कहा गया है कि कोरोना को कम करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। जब लक्षण दिखने से पहले ही 30% से ज्यादा संक्रमण फैल जाता है तो ऐसे में कम संख्या में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कम लोगों के आइसोलेशन से बड़ा फायदा नहीं होने वाला। फायदा तभी होगा जब संक्रमित शख्स का 90% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लिया जाए। चीन और हांगकांग ने फरवरी में बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसका नतीजा आज सामने है। दोनों देशों में कोरोना के नए मामले में कमी आई है। नेचर ने WHO और अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिली रिसर्च के आधार पर ये नतीजे निकाले हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।